जसपुर जिले से आने वाले जागेश्वर यादव को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है और लगातार आदिवासी क्षेत्रों में लगातार जो बीहड़ क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए आपको अवार्ड सम्मानित किया गया है। रायपुर पहुंचे हैं आप और निश्चित रूप से एक बड़ा सम्मान भी मिला है, एक छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब भी उसी इलाके से आते हैं, किस तरह से देखते हैं इस सम्मान? मुझे अच्छा लगा और इस सेवा करने में बहुत बढ़िया, मेरे को यहाँ आके देखने में अच्छा लगा। और जो भी उस वनचल में रहने वाले बिरहोर जनजाति आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक से विलुप्त हो रहे थे, उनको ने मैं स्वयं उनकी स्थिति देखकर 1980 से इनका सेवा कार्य प्रारंभ किया और उनसे मिलकर उनको जागरूकता किया और हमने शासन के विभिन्न योजनाओं को उसको पहुँचाया, उनके लिए आश्रम स्कूल की मांग किया, नौकरी का मांग किया, उनके खेती बाड़ी आत्मनिर्भर बनाने के लिए जमीन पानी बिजली ये सारी सुविधा उनको करवाया, जिसे माननीय सभी विभाग के अधिकारी जो भी हैं कलेक्टर कमिश्नर ये सब भी मेरे बातों पे उनके गांव जाकर उनकी दुख को दुख दूर किए। माननीय विष्णुदेव मुख्यमंत्री बिरहोर पहाड़ी कोरवा पंडो जनजाति उस क्षेत्र के होने के कारण उन लोगों का भी भारी लगाव है बिरहोर लोग के साथ। विष्णुदेव जाके जमीन में बैठ के उनके साथ हमारे मुख्यमंत्री जी भोजन करते हैं, उनकी सारी सुख सुविधाओं को चिंतित हैं और उनके विकास के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। देश का एक सबसे बड़ा सम्मान होता है पद्मश्री अवार्ड, वो आपको मिला है तो निश्चित रूप से सेवाएं भी आपने की हैं, लोगों के घर तक भी पहुंचे, उनको जो उपयोगी सामान है वो भी दिलाने का लगातार प्रयास किया आपने, तो अब उनकी स्थिति क्या है, क्या देखते हैं? अभी पुरस्कार मिला उससे तो अच्छा है, आगे आने वाले हमारे समाज हमारे युवा लोग को भी ये गर्वित हो रहा है कि अब हम लोग भी ऐसे समाज के बीच काम करें, उन्हें भी हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जैसा कि आपने बताया ये खुद वो आपके इलाके से आते हैं, वहाँ के भी जो है पूरा विधानसभा भी देखते हैं, वो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, तो उनसे उनको लेकर कुछ मांग की कि आप इस तरह से यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ, वो बहुत हूबहू जानते हैं, हम लोग दोनों एक गांव गाँव के सामने हैं, मेरे बहुत शुभचिंतक हैं। जब तक मंत्री नहीं बना था वो तब तक हम लोग का 92 से उनसे हमने मिल के और हर बिरहोर कार्यक्रम में जाते आते थे और आज भी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि उस समाज को एक मुख्य धारा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह वो भी बहुत प्रयास किए और उनके भी बहुत है। और अभी वर्तमान में हमारे सीएम तो गांव घर के आदिवासी है, वो तो और बहुत प्रयास कर रहे हैं कि ये आखिरी हमारे समस्त समाज आगे आए, एक नहीं समस्त समाज के लोग मजबूत बने साक्षर बने और आगे आए, उनकी भी कामना है जी। तो मुख्यमंत्री बनने के पहले क्या आपसे परिचित हैं वो? हाँ, 92 से परिचित। कैसे? क्योंकि हम उसी इलाके के हैं बिरहोर से, वो होरबरू जानते हैं और जब मैं काम किया तो उन्होंने भी बड़ा खुश हुआ कि जागेश्वर ने इस बिरहोर पहाड़ी कोरवा बैगा पंडो लोग से बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो उन्होंने भी मंत्री नहीं बने थे सांसद थे, उस समय से भी हमारे गांव में हमारे उस कार्यक्रम में हर हमेशा आते रहे कार्यक्रम में और प्रोत्साहन देते रहे। जब मुख्यमंत्री बन गया तो हमारे लिए और गर्व हो गया कि अब हमारे घर के हमारे गाँव के आदिवासी भाई हमर बने हैं, तो ये देश और समाज ला तो बने चिकन सुधार कर ही हमर दुख सुख ला जान ही कहाँ के गांव घर के रहैया है, तो कर लिए भी हमन बहुत बहुत बधाई कोटि कोटि बधाई देते हैं कि हमर वर्तमान सीएम साहब विष्णुदेव जी बहुत चिंता हैं। और मोर जीवन के बारे में तो विष्णुदेव अच्छे से जानते हैं मैं कैसे रहें कहाँ रहें, आज भी मैं बिना वेतन के पूरे देश समाज में पहाड़ पर्वत में घूम घूम कर पैदल मैं सेवा करत हो और हर हमेशा अधिकारी वो हमर मंत्री साय जी के मैं बार बार अवगत करात रहा हूँ यहाँ वो होना चाहिए यहाँ होना चाहिए, तो ऐसे होते रहे और मैं बात कर नहीं कर रहा हूँ और दूसर दिन वहाँ सब अधिकारी और सामान पहुँच जाए।
सारे व्यवस्था सुनते हैं आप। हाँ, सारे छत्तीसगढ़ में पांच जनजाति के जनमन कर जो योजना है वो मैं घूम घूम के उनके समझाता हूँ। हर अधिकारी एक एक दुख सुखला वो जनमन में पूछता है और बहुत बड़ी सफलता होता है जनमन से। हमारे मोदी जी की कृपा से बहुत अच्छा चले से है। हमन समस्त बिरहोर पहाड़ी को अब गांव के लोग ला मैं पौधा लगा कर प्रेरित करूँ। दूसरा जंगल में आग झील लगे वो ये सब के लेके मैं समाज में बातचीत करता हूँ। और यहाँ आके देखें तो पहला बार ऐसा कार्यक्रम देखे हूँ कि सशस्त्र सेना ला हमन टीवी में देखत रहे हैं, लेकिन आज हमारे छत्तीसगढ़ सरकार साय जी के कृपा से एक बहुत बड़ी शिविर लगवाई और हमर के वन अंचल से कोने कोने से आए हुए लोग देख के ये साक्षात बड़ा खुश हैं। मैं एक सवाल ये भी है कि जो है आप यादव समाज से आते हैं और बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और मुख्य काम दूध का ही रहता है, आपके घर में ऐसा कौन सा काम था, आप किस ज़मीन से उतरे हैं, किस किसान क्या किसानी आपका मुख्य काम है, किस तरह से काम करते थे और लोगों की सेवा किस तरह से आप करते थे? मैं हमारा कुल परिवार तो पशुपालन और खेती मजदूरी यही चल रहा है। अब हम लोग यादव है गाय नहीं पालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, हम लोग का धंधा ही है। फिर साथ साथ कृषि कार्य भी करते हैं तो अभी ठीक है। अब मैं एक गरीब परिवार का हूँ इसीलिए गरीब का बात को जानता हूँ। हैं जो गरीब कोदो कुटकी खाता है वो बड़े लोग थोड़े जानते हैं। दुखी का ला जिसको दुख है वो दुखी को जानता है। अब जिसके पास कुछ दुख नहीं है वो आकाश पाताल में घूम रहा है उसको गरीब से क्या चिंता है। और गांव में जो रहता है गरीब के साथ गरीब है वो गरीबी को जानता है। मैं एक गरीब परिवार का होने के कारण उनसे मैं जुड़ा और मैं पढ़ाई भी छोड़ दिया। आगे क्या है आपकी योजना, क्या करेंगे आगे आप, क्योंकि एक बड़ा सम्मान मिला है, कुछ ऑफर भी आए होंगे आपको कि इस तरह से आगे बढ़िए, लोगों की सेवा का काम निरंतर जारी रखिए, आगे क्या है, क्या करेंगे आगे? मेरा आगे भी और अच्छा करने का सपना है कि हमारे समाज हमारे लोग सब खुशहाली हो, सब आत्मनिर्भर हों और शासन से जो लाभ मिल रहा है उसको सभी को उपयोग करना है। जंगल को भी बचाना है तभी हम जीवन जी सकते हैं, तभी हम स्वस्थ हो सकते हैं। ये ज़्यादा मेरा प्रेरणा है समाज की पूर्ण। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि छत्तीसगढ़ में जो विधायक है अनुज शर्मा वो भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, आप भी अब उसी लिस्ट में गिनाते नजर आएंगे कि आप भी पद्मश्री अवार्ड सम्मानित हैं। लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की आम जनता को कि वो भी निरंतर जो काम कर रहे हैं करते रहें, हो सकता है कब उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल जाए, तो उनको कुछ मैसेज देना चाहिए? देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे उन? अब देखिए उनकी कर्म के ऊपर है, अगर जैसे कर्म करते हैं तो फल तो मिलेगा ही। अब मैं तो सपना नहीं देखा था, मुझे तो दुनिया में खाली उस गरीबों मैं गरीब हूँ उनको उसी पाम में काम कर रहा था। अब प्रभु की इच्छा हुई हमारे सीएम मोदी जी अब हमको ले गए। मैं तो ये सब देखा भी नहीं था, सपना भी नहीं था कि पद्मश्री मिलेगा नहीं मिलेगा और कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ उस भाइयों के बीच उनको दुख सुख उनको आगे बढ़ाने के लिए मेरा ही उद्देश्य था। तो ये जागेश्वर यादव हैं, रायपुर पहुँचे हैं, इसके साथ ही 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों इनका सम्मान भी किया गया। जो बीहड़ क्षेत्र हैं आदिवासी क्षेत्र हैं उनकी सेवा करने के माध्यम से इनको जो है सरकार ने खोज निकाला और इनका सम्मान किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जशपुर ज़िले से आते हैं, उसी ज़िले से जागेश्वर यादव भी आते हैं, गाय और जो है किसानी करके इन्होंने जो है अपना जीवन यापन किया, लोगों की सेवा भी की। 1992 से बताया कि जो है विष्णुदेव साय को भी जानते हैं, तो निश्चित रूप से सेवा भाव के माध्यम से इनको एक बड़ा सम्मान मिला है जिसकी चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है। लल्लूराम.com के लिए लेखराम देवांगन के साथ नितिन नामदेव, रायपुर।